हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद सामिया। में मैं आज बनाऊंगी बहुत ही यम्मी चिकन की एक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये कोई चिकन का कोरमा नहीं है और कोई ये कोई चंगेजी वगैरह रेसिपी नहीं है, ये अलग रेसिपी है, एकदम इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी जिसे कोई भी आसानी से बना सकता है और ये घर के बेसिक से इन्ग्रीडियंट से ही बन के तैयार हो जाएगी और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी जब अगर आपने घर पे इसको बनाया तो। इसको बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है, ये रिफाइंड ऑयल है। ऑयल को हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लेंगे, एकदम अच्छे से गरम कर लेना है ऑयल को। जब ऑयल हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी प्याज और मैंने 5 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड कर दी है इसमें ऑयल में। और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, लेकिन इसको कंटिन्यूसली पलटते रहना है, चलाते रहना है प्याज को, ताकि जले नहीं और अच्छे से और इंस्टेंटली फ्राई हो जाए। इस तरीके से हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैंने यहाँ पे चिकन ऐड कर दिया है, ये 600 ग्राम चिकन है जिसको अच्छे से तरीके से वॉश करने के बाद मैंने ऐड कर दिया है प्याज में। और प्याज के साथ में पहले चिकन को 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे ताकि जो चिकन में स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और भुनने से इसका टेस्ट और भी अच्छा इन्हेंस हो जाता है, बहुत जायकेदार बनता है ये इस टाइप से। तो मैं इसको प्याज में अच्छे से भून रही हूँ। तो देखिए चिकन को भूनते भूनते पूरे 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी इसके साथ में अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की जगह आप चाहें तो हरी मिर्चों का भी यूज कर सकते हैं। और अब मैंने इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इन मसालों को भूनते रहेंगे और चिकन भी अच्छा गलता रहेगा। तो मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड करके इसको और अच्छे से भून लिया है। पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी ज़रूर ऐड करें इसे, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और मसाले जले नहीं, परफेक्टली भुन जाए। तो मैं यहाँ पे चिकन को भून रही हूँ मीडियम टू हाई फ्लेम पर। थोड़े से फ्रेश फ्रेश मैंने यहाँ पे धनिया के पत्ते ऐड किए हैं। तो देखिए हमारा चिकन परफेक्टली बन के हो गया है तैयार। गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और मैं यहाँ पे चिकन को करूँगी सर्व। लेकिन अगर आप चाहें तो हल्की सी ग्रेवी रख सकते हैं। तो मैं हल्की सी ग्रेवी के लिए मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया है। देखिए मैंने हल्की सी ग्रेवी इसमें कर ली है और अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। अगर आपके पास गरम मसाला पाउडर नहीं है तो आप इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चाट मसाले पाउडर से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और देखिए अब इसमें हल्की सी ग्रेवी हो गई है तो अब इसका टेस्ट और भी अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मैं इस चिकन को रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें एंड आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।
और जब आप बना के खाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।